Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil kareem. Amma baad. Aaj ke sawalat lete hain. Kisi ne sawal pucha hai ki agar galti se namaz reh jaye to qaza kaise ada karni chahiye. Dekhe, do wajahein hoti hain. Ek to insaan janbujh ke chhodta hai taaki baad mein pad lenge. Ek insaan dekhta hai kisi tarike se galti ki wajah se chhod gayi hai. लेकिन अगर गलती की वजह से छूट गई है ये चीज़ इजाज़त है कि आप जितना जल्दी हो सकें उसको पढ़ लें. लेकिन अगर आप जानबूझ के छोड़ रहे हैं तो ये कज़ा कबूल नहीं होती, ये आपके गुनाह में लिखी जाती है. लेकिन अगर आपकी छूट गई है किसी बहुत सीरियस मसले की वजह से, लेकिन आप उसको अदा कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिल जाए. लेकिन बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप उसी वक्त अदा करें ताकि आप सफ़र में भी हो, आप दो रकात अदा कर सकते हैं. अगर सफ़र से दूर हैं, घर से दूर हैं, तो आप दो रकात भी पढ़ सकते हैं. लेकिन अगर आप अपने ही एरिया में हैं तो बेहतर है कि आपको जहाँ बैठे हैं वहीं वज़ू करके भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं. लेकिन अगर आप एरिया से दूर हैं, अगर आप ट्रैवल में हैं तो आप गाड़ी में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको कहीं मुसल्ला बसाने की जगह मिल रही है तो बेहतर है कि वहीं पढ़ लें. लेकिन अगर आप जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं हम बाद में पढ़ लेंगे, ये चीज़ गुनाह में लिखी जाती है, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है. अगर हम सूरह निसा पढ़ते हैं, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सलात कानत अलमुमिनीना किताब अलमखूता, जैसे अल्लाह ताला ने एक मुसलमानों के लिए नमाज का वक़्त मुकर्रर किया गया है. तो कहने का मतलब यह है कि हम वक़्त पर नमाज पढ़ें और अपनी मर्ज़ी से ना पढ़ें, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने एक वक़्त का मुकर्रर किया गया है तो हम उसमें अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते. अगर हम सही बुखारी पढ़ते हैं किताब नंबर 10 और हदीस नंबर 505 में अब्दुल्ला की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारे अमाल कौन से हैं, जिनमें से एक ये है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा अमाल ये है कि आप वक़्त पर नमाज़ पढ़ें. ये अल्लाह के नज़दीक है, क्योंकि अगर हम अपनी मर्ज़ी से अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह के अहकाम का हक अदा नहीं होता. तो ये होता है कि हम अपनी एक अपने कानून को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे अल्लाह ताला के एक काम को फॉलो नहीं कर रहे हैं. अगर अल्लाह ताला ने बोला है कि अगर जोहर की नमाज़ 1 बजे होती है तो यू हैव टू बी डू इट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम असर से पहले पहले जब वक़्त मिल जाए तो उसको राइट अवे पढ़ दें. अब ये नहीं कि हम वेट करते रहेंगे कि असर का नमाज का वक्त शुरू होगा फिर बाद में पढ़ लेंगे, ये बाद में हम लोग नहीं कर सकते. जैसे अल्लाह ने कहा गया इन सलात कानत अलमुमिना किताब अलमखूता, तो इसका मतलब अल्लाह ने फरमाया कि वक्त पर नमाज़ पढ़ना ही ये अल्लाह का हक अदा है, जिसमें आपको 100% इनाम मिलता है. वरना जितना आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे अल्लाह के यहाँ इसका पूरा रिवार्ड ख़त्म हो जाता है.